सारी सरकार में हाँ सब में हर एक जगह बदली हो से वो अच्छा हाँ झुंड से सरकार दिखाऊ संभाजी है। तो ये बताइए कि दादरी अभी कौन जीतेगा इस बार है? दादरी जो बताओ जो टिकट सारा की कांग्रेस है उससे पहले के बताओ निर्दलीय जीतता को निर्दलीय पिछले बार भी तो निर्दलीय ही जीता था ये पूरा बीजेपी ने कांग्रेस ने कोई ना रण तो निर्दलीय लड़े आकर मारा तो निर्दलीय जीतता कांग्रेस किसने तारा है देखो कैंडिडेट कैंडिडेट पर आवेगी बात तो कैंडिडेट पर हाँ सत्तर साल तो हमने लिया वोट गिरती निर्दलीय जीतता है और ये कम्मा कोनी बात डपडम्मा पिछली पिछली बार क्या है भाई साहब इधर कौन भारी है कांग्रेस कांग्रेस कैंडिडेट कोई भी हो कोई नहीं। और बीजेपी का कैंडिडेट कैसा है तो कांग्रेस में दल बदलू है नहीं तो लोग तो कह रहा है कि भाई जेलर है राम रहीम का समर्थन है बाप तो वही है बोला तो उसी की है ना अरविंद केजरीवाल आईपीएस अधिकारी दो आईएएस आईएएस अधिकारी दो अरविंद केजरीवाल के कर रखे देखी ने जो जेलर के तो खुदा हो गयो के जेलर से तो राम रहीम का भी तो समर्थन है हाँ वो राम रहीम का जो देर बनेगा ये जो राम रहीम है से जो राम रहीम से राम रहीम नहीं लोगों ने कहा कि छह बार उनको जमानत दिलवाया पेरोल फर लो हाँ तो जब तो ये उस जंगल में से उनका समर्थक भी इनके साथ है ना कोई कोनी ने कांग्रेस आओगी उन्हें कांग्रेस का तो कैंडिडेट ही नहीं पता है कैंडिडेट कोई आओ आज आ जाएगा जा मनीषा सांगवान रही थे कांग्रेस को कांग्रेस को चलो ठीक है आप लोग भाई साहब हाँ आप भी प्रेस से हैं है? कौन से प्रेस से हैं आप संजय सिंह जी के लिए काम करते हैं अच्छा लोकल यहाँ है तो क्या माहौल है राजस्थान से अच्छा इधर घूमने आए ये मैंने आपको देख के अरे अरे नहीं नहीं ये देखिए आप भाई साहब आप बता रहे रुको छोड़ो अरे भिड़ी तो गिराओ भाई भाई आपन तो बता रहा क्या दूसरा काम का था अरे रुक जाओ गांव से आ, बोलो, बोलो। वो तो दादरी से दादरी से तो हम तो ये पूछ रहे हैं कि कौन भारी है कांग्रेस कांग्रेस में तो कर रहा 47 टिकट बांटा नहीं है टिकट बट जाएंगे बता क्या का फॉर्म भरा जाएगा क्या आज लास्ट होली के कल लास्ट है आज बांट देंगे टिकट भी कैंडिडेट का फर्क नहीं पड़ता पार्टी पार्टी बड़ा है पार्टी का है पार्टी का है कैंडिडेट कोई हो चाहिए और ये बीजेपी ने जो टिकट बांटा है और जेजेपी और इनेलो है लड़ाई में ना कोई लड़ाई में नहीं है कुछ भी नहीं है ना कुछ भी नहीं है तो ये दादरी कौन जेपी और कांग्रेस दो ही पार्टी रहनी है जेजेपी और ना कोई नहीं है अच्छा हाँ जी तो टिकट में लेट लतीफ का कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या फर्क पड़ेगा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा हमारे हिसाब से तो पड़ेगा नहीं लोग कह रहे हैं कि जो बीजेपी का कैंडिडेट है उसको गुरमीत राम रहीम का आशीर्वाद है उनका एक समर्थक है उनके वोटर अलग नहीं उनकी खुद की है पर्सनल वोट है 5-6 हज़ार वोट खुद की भी है सतपाल की अच्छा हाँ लेकिन हरियाणा में सरकार कांग्रेस बनाएगी दादरी में कौन जीतेगा ये तो फाइट है ये तो अभी आने वाले टाइम में पता चलेगा कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा वोटर हरियाणा के हो लेकिन कांग्रेस सरकार बनाएगी हाँ कांग्रेस सरकार बनाएगी लोग कह रहा है कि गोत्र का भी हिसाब है सांगवान है तो सांगवान का अपना नहीं फोगाट भी है यहाँ पे 19 गांव पड़ते हैं फोगाट के भी कविता फोगाट हार तो गई थी यहाँ से चुनाव को धनाधार भी तो देखा जाता है अभी कुछ बात करेंगे है? अरे वोट तो देते होगे वोट देंगे किसका है वोट देंगे बीजेपी का हाँ बीजेपी का कैंडिडेट बढ़िया है लोग तो कह रहे थे कि अरे छोड़ो गांव राम क्या पता क्या कहेगा गांव राम है ये इसको क्या पता कौन क्या कहेगा बीजेपी का मजबूत है मजबूत सिक्के बंद सिक्के बंद सिक्का होता नहीं ऐसे सिक्के बंद है बीजेपी का अच्छा चलो ठीक है आप लोग यहीं से भैया आप लोग यहीं से दादरी से अच्छा इसी गांव से क्या माहौल है इस बार चुनाव का इस बार कांग्रेस का जी अच्छा सब कांग्रेसी पूरा गांव है क्या कांग्रेसी पूरा गांव तो कांग्रेसी है कैंडिडेट कोई हो
कैंडिडेट कोई हो अगली बार पार्टी को वोट देंगे। लोग तो कहते हैं दादरी में जो जीतता उसकी सरकार नहीं बनती है। हाँ ये तो बोलते हैं, लेकिन अब की बार तो रुझान कुछ हो रही है। वोट बीजेपी की, तू एक दिया बीजेपी की है। मेरी वोट तो मैं बीजेपी की वोट नहीं है। दूसरे का हूँ, कोई गांव से दादरी से तो है। हाँ दादरी से हूँ, बीजेपी की वोट है। मोदी जिंदाबाद। मोदी हाँ, नायब सिंह सैनी हाँ एक नंबर का है। खट्टर खट्टर नहीं है, नायब सिंह सैनी बढ़िया है। केसांग है क्या? ठीक चलो ठीक, अपना विचार रखने चाहिए। हम तो कांग्रेस के भाई पक्का, विचार तो अपने सबने रखने चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। हम लोग आप लोग भाई साहब यहीं से, कहाँ से हैं आप? राजस्थान। राजस्थान, अच्छा यहाँ लोग चाय पीने के लिए आ रहे हैं। अच्छा जी, आप बताओ भैया। अरे चाय क्या पियेंगे, अरे बताओ कि क्या माहौल है चुनाव? माहौल ठीक है, ठीक है। दुकान पर ज्यादा कौन से वाले आते हैं, कांग्रेस वाले? ज्यादा कांग्रेस वाले, कांग्रेस वाले आते हैं। हाँ इस दिन सतपाल है, जो पहले बैठ गया था 5-7 साल पहले। 5-7 साल पहले क्या? इसमें था कुलदीप का ने, अच्छा पूरा गिरा था कुलदीप का वोट। ये बताओ अब जो बाहर के लोग हैं उनको क्या पता है कि कुलदीप कौन है? हम तो ये पूछ रहे हैं अरे रुको यार, कि बीजेपी की सरकार 10 साल रही, कैसा काम किया है? काम तुम तो सारी ठीक करें करें वो सरकार तो सारी काम ठीक करें। इस बार किसका जोर है तो बताओ? जोर कांग्रेस का है। आप भी कांग्रेसी हो? हाँ सारा कांग्रेसी। अरे आपके दुकान पर कांग्रेसी है, बीजेपी वाला भी तो है। बीजेपी वाला भी से अपनी मर्जी को कितने घेरो? अरे हम वोट नहीं, हम तो पूछ रहे हैं कि दादरी में लोग कहता है कि जो जीतता है उसकी सरकार नहीं बनती हरियाणा में। हाँ या तो यो तो यो है, यो तो यो है। इस बार इसका मतलब कांग्रेस यहाँ नहीं जीतेगी? वो तो के बेरो बंद है सो तो टिकट किसने मिला है? टिकट फाइनल होगी दादरी से लोग कह रहे हैं। अच्छा टिकट में महत्वपूर्ण है कि कौन उम्मीदवार है? टिकट तो महत्वपूर्ण, कैंडिडेट तो देखो जाओगे। ये क्यों नहीं टिकट बांट रही है कांग्रेस, इतना लेट लतीफ क्यों करती है? हर बार कहता है कि हरियाणा में जब भी चुनाव होता है आज वेदांता में भर्ती है, कल एम्स में तो उसको भी पीने में बट रहे हो है, ये टिकट बांटने में बट रहे हो उसको। गलत तो नहीं गए हो? मैंने बताया दीपक बाबरिया भी पीने में बधे हुए है, ये टिकट बांटने वाली टेंशन में बधे हुए है। अच्छा इसीलिए अस्पताल में एडमिट है टेंशन की वजह से? टेंशन तो पार्टी को तो छोटो कार्यकर्ता होते बड़ो नेता हो टेंशन तो हो, जिम्मेवारी आ जाओ तो जिम्मेवारी भी तो कोई चीज़ तो हर बार तो यहाँ यही बांटता है, आखिरी दिन टिकट बटता है कांग्रेस का। हाँ तो आखिरी दिन टिकट बटे है तो धमाको तो वो किसे न किसे पड़ दो। दादरी में कौन भारी है? दादरी में तो कांग्रेस जीतेगी कड़ा दो। तो इसका मतलब सरकार नहीं बनेगी कांग्रेस की? ना क्यों बनेगी सरकार, इनका 70 पार का अर्था गल्डी योजना में लोकसभा इसमें विधानसभा पिछली विधानसभा 19 में इब के कांग्रेस करे 70 पार है। तो पिछली बार 70 पार का नारा दिया आया 40 70 पार करेगी कांग्रेस है तो 75 पार तो इसको आएगा 40 फिर क्या होगा 40 किसकी 40 आऊंगे कांग्रेस की 40 क्यों होंगे 75 आऊंगे 90 सीट से बता दी। पिछली बार 70 पार में बीजेपी को आया 40 तो इस बार 75 पार कर रहे हो तो बीजेपी के पास है क्या भाई? एक बात बताओ पोर्टल एक आदमी है वो किसान आदमी है वो खेत में जागो सरल केंद्र पर जाए खड़े होगा।